हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह के बेटे को गिरफ्तार किया है। मामला हेरोइन से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुच्चा सिंह का बेटा प्रकाश सिंह अपने 4 साथियों के साथ शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास एक निजी होटल में रुका हुआ है। यहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारी। जब प्रकाश सिंह से पूछताछ की गई तो उसने क्या कहा, सुनिए। नाम क्या है आपका? पहले वो क्यों हुआ? तो किसके बेटे हैं आप? है? वो तो सुच्चा सिंह। असला क्या मतलब? कौन है सुच्चा सिंह जी? पर वो मतलब वो था फादर है मेरे, अभी कुछ नहीं है। पहले थे? पहले कहाँ से? कितनी बार रहे हैं? दो बार। प्रकाश सिंह के पास से पुलिस ने 42.89 ग्राम हेरोइन बरामद की है। शिमला पुलिस के मुताबिक आरोपियों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। प्रकाश सिंह लंगाह को पहले भी नशे के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, अब उसे हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है।